Good morning, students. I am your science teacher and welcome to your science class. I hope you all enjoyed your holidays. Now, let's start your study again. Now, open page number 72, unit 4, safety, and chapter number 7, safety and first aid. These are caused mainly owing to carelessness and negligence. एक्सीडेंट कॉज पेन इंजरी सफरिंग एंड मे इवेंट लीड्स टू समेथ मीन्स एक्सीडेंट जो होता है वो मेनली हमारे केयरलेसनेस और अनदेखी करने की वजह से होता है और इससे हमें पेन इंजरी और कभी कभी uh, किसी की डेथ भी हो सकती है हाउ कैन वी प्रिवेंट एक्सीडेंट्स वी कैन प्रीवेंट एक्सीडेंट इफ़ वी आर केयरफुल एंड फॉलो द सेफ्टी रूल वाइल डूइंग थिंग्स

वी शुड यूज टोंग्स टू लिफ्ट द हॉट पेन फ्रॉम अ बर्निंग स्टोव अब गर्म बर्तन को गैस से हटाने के लिए टोंग या फिर चिमटे या फिर सर्टसी का यूज़ करना चाहिए सम लेडीज कुछ लेडीज जो होती हैं वो अपने साड़ी का यूज करके ही पैन को हटाती हैं इन डूइंग सो कभी कभी उनकी साड़ी में आग लग जाता है और हॉट ऑयल या फिर मिल्क जो होता है वो उनकी बॉडी पर गिर जाता है सच केयरलेसनेस इन द किचन इज वेरी डेंजरस नेवर प्ले विथ बर्निंग मैचेस। इफ यू स्मेल गैस क्विकली टर्न ऑफ द नॉप। और अगर कभी हमें गैस स्मेल होती है तो हमें क्विकली गैस की नॉब को बंद कर देना चाहिए और डोर्स और विंडो को ओपन कर देना चाहिए डो नॉट लाइट अ मैच और अ लाइटर और हमें मैच या फिर माचिस या फिर लाइटर नहीं जलाना चाहिए डो नॉट टच एनी इलेक्ट्रिक स्विच इफ़ गैस इज़ लीकिंग इन्फॉर्म द गैस कंपनी इमिडिएटली डो नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लेड और नाइफ्स डो नॉट लेटर टॉयज और मार्बल्स ऑन द फ्लोर दे मे काज एक्सीडेंट्स हमें अपने टॉयज या फिर मार्बल्स को फ्लोर पर नहीं बिखेरना चाहिए इसकी वजह से भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं नेक्स्ट इन द बाथरूम द बाथरूम फ्लोर मज़ भी क्लीन एंड शुड नाट बी स्लिपरी कीप द बाथरूम फ्लोर ड्राई वेन नॉट इन यूज हमें अपने बाथरूम के फ्लोर को हमेशा ड्राई रखना चाहिए जब यूज़ ना हो वी मे फॉल एंड हर्ट अवर सेल्स ऑन अ वेट एंड स्लीपरी बाथरूम फ्लोर टच एनी इलेक्ट्रिक फिटिंग विथ वेट हैंड्स यू विल गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक व्हिच में बी डेंजरस हमें कभी भी गीले हाथ से इलेक्ट्रिक सामान को नहीं छूना चाहिए इससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है In the living room. Some th sometimes fire can be caused by defective or worn out electric wires. Kabhi -kabhi jo, uh, डिफेक्टिव वायर्स हैं उनमें भी आग लग सकते हैं सो डिफेक्टिव वायर इलेक्ट्रिकल वायर मस्ट भी चेंज्ड बाई एन इलेक्ट्रिशियन इसलिए हमें इलेक्ट्रीशियन की मदद से अपने डिफेक्टिव खराब हो गए इलेक्ट्रिक वायर्स को चेंज करा लेना चाहिए द इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस सच एज द फ्रिज वॉशिंग मशीन एंड आयरन बॉक्स मस्ट भी प्रॉपरली अर्थ एंड केयरफुली हैंडल्ड इलेक्ट्रिक अप्लायंस जैसे कि फ्रिज वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा को हमें ग्राउंड इन अर्थ करा लेना चाहिए नेवर टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विथ वेट हैंड्स डों नॉट लीव इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज अनअटेंडेड ऑलवेज कीप दैम आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रेन हमें इलेक्ट्रिकल अपलायंसेज को खुला नहीं छोड़ना चाहिए और बच्चों की पहुँच से दूर रखना चाहिए इफ़ यू नोटिस एनी स्पार्क इन एनी ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और वायर्स टर्न ऑफ द मेन स्विच इमिडिएटली अगर कभी भी हमें एक्सपार्क या चिंगारी दिखती है अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में या फिर वायर में तो हमें अपना मेन स्विच तुरंत ही बंद कर देना चाहिए कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अ वर्किंग फैन और हीटर नेवर ईट एनी अनोन थिंग और मेडिसिन दे मे बी डेंजरस एज सम मेडिसिन में बी पॉइजनस टू अ हेल्दी पर्सन हमें भी हमें कभी भी अन नोन मेडिसिन या फिर थिंग्स नहीं खाने चाहिए students here is some important phone numbers which are given the police station 100 fire station 101 ambulance 102 students in this part of video we have learned about safety at home i hope you understood it thank you